हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आ गए एक और न्यू इंटरेस्टिंग व्लॉग में आप सभी के साथ। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज का व्लॉग ये है कि आज हम लोग फिर से निकल चुके हैं एक और नए सफर में। हमारे चैनल में बहुत सारे अच्छे व्लॉग आते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे हम आपको हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज गाइस इतना कर देना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आज का टॉपिक क्या है। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं एक और न्यू सफर में। तो गाइस हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जा रहे हैं, नहीं बताऊंगा अबे साले, अभी, नहीं बताता। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, वो सीक्रेट है। हाँ, तो सफर को बताने से क्या मतलब है, आपको इंजॉय करना है, आपको हमारे साथ जाना है। तो चलिए हमारे साथ चलिए और हम लोग सफर को एंजॉय करते हैं, और हमारे साथ एंजॉय भी करो। तो आज जो है हमारे बच्चा पार्टी सभी जा रहे हैं, और मम्मी पापा सब। तो हम लोग जा रहे हैं कार में, और कार में हम लोग ने स्वेटर रख लिया, एक झोले में पानी वाटर रख लिया, सब खाना हमने खा लिया। और अभी करीब टाइम हो रहा है 11, तो चलिए अब निकलते हैं, जल्दी जल्दी निकलते हैं, बहुत लेट हो गया क्योंकि सुबह सुबह ठंड में कौन नहाता है। और ये देखो इनका तो कभी होने वाला नहीं है हो कंप्लीट गया है काम, हमारा। धुआं इसलिए लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पूजा रूम है, इसलिए। तो ये कैमरे की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो तुम लोग का अपना काम करके आओ, मैं तो जा रहा हूँ, देख लेना भैया, ये सब तो इनकी जिम्मेदारी, मैं चलता हूँ। गाइस हम लोग बैठ चुके हैं कार में और बहुत ही मजा आ रहा है। बच्चा पार्टी कैसा लग रहा है बेबी? रन्नू रन्नू, पता है मैं आपको बताऊं, रन्नू ना नहीं जाने वाली। रन्नू कैसे आ गई तू? रन्नू सुबह से नाटक कर रही है, पता है? रन्नू बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, पर रन्नू को मम्मी फिर एक बार गुस्सा दिखाई, एक बार मम्मी बोली क्या नाटक है तेरा, फिर रन्नू का सीधा हो ऐसा गया। कुछ नहीं है, मैं नहीं मना कर देती, पर मैं इसलिए हाँ की कि देखो सुबह सुबह मैं उठी, अब मैं सोई थी नीचे नीचे जाके सोई थी, आराम से मस्त सोई। तो उसके बाद सुबह हो गई। हाँ, अब सुबह हो गई तो मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब नहाई, नहाने के बाद ना मन करने लगा कि चले जाती हूँ यार। मतलब सीधा सीधा मैं बता तो गाइस मैं बता रहा हूँ, ये था कि ये नहाना नहीं चाहती और ये सोना चाहती थी, ये सोना और इसको ना ये क्या बहाना क्या बना रही थी कि मेरा एग्जाम है 30 से, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करना है, बस कुछ ही टाइम बाकी है, प्लीज मेरे को घर छोड़ दो। एग्जाम तो हमारा भी आ रहा है, बेबी का भी एग्जाम, तू तो बच्ची है, तेरे एग्जाम से क्या करना है। एग्जाम आ रहा है मेरा, पर मैं कल घूमने। पर गाइस बेबी इंटेलिजेंट कर रहा है भाई। रन्नू का बहुत चालाकी, मैं ना पता है रन्नू ऐसा नौटंकी करती ना, बस उस टाइम ना कैमरा ऑन नहीं रहता, जिस दिन कैमरा ऑन होगा ना उस दिन कंटेंट ही कंटेंट है ना रन्नू। एक दिन घूम भी गई थी। हाँ, एक दिन घूम भी गई थी, हमारे वाले वीडियो में देखा होगा, जिस टाइम हम लोग रायपुर में थे, है ना रन्नू, रायपुर में घूम गई थी, बताओ। रो रही थी और रो रही थी ऊपर, पता है मैं घूम, बस हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ये दुकान है नाश्ते का और उसके सामने चाय वाला दुकान है। हाँ, तू ढूंढ रही थी बेटा, फिर पापा और मैं दौड़े और इसको फिर पकड़े और ये रो रही थी, हम लोग देखे तो रो ही पड़ी है, पता है? फिर से इसका एक स्टाइल चालू हो गया। अरे तो बाल अच्छा दिखना चाहिए ना गाइस, आप भी बताओ कमेंट में। चलो अभी तो हम लोग पहुँचने वाले पुलगांव चौक और बस आई गए, सामने ही है। और मैं क्या हूँ? पिंचन पिंचन डिंचन पिंचन सिंचैन। तो गाइस हम लोग पुलगांव चौक पहुंच चुके हैं और इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं या तो ये तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखो और लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाओ गाइस। यार बहुत टाइम से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, अभी तक के हमको ग्रो हो जाना चाहिए, तो प्लीज गाइस थोड़ा प्यार दिखाओ, सभी बोल दो यार प्लीज गाइस प्यार दिखाओ, अपना प्यार बरसा दो। और कोई एम नहीं है इस बार लाइक का, तो आप लोग को जितना प्यार बरसाना पड़ेगा प्लीज अपना पूरा प्यार दो और हमें सब्सक्राइब करो। अगर हमें आपको आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, तो प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक गाइस, प्लीज दिल से प्यार, दिल से शुक्रिया और बहुत ही ज्यादा खुश होगी। सब्सक्राइब करिए इस बात के लिए,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे और आप भी हमारी फैमिली बनेंगे। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है, हमें हमारी फैमिली पता चल जाती है कि कितनी बड़ी है। तो गाइस अभी तो हमारी फैमिली बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, कुछ ही सब्सक्राइबर होंगे। अब मैं क्या बताऊँ आपको, पर प्लीज गाइस हमारी फैमिली को इतना बड़ा कर दो कि दुनिया में किसी की इतनी बड़ी फैमिली ना हो, है ना। प्लीज यार, प्लीज गाइस प्लीज कर दो यार, थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपना और हमें प्लीज ग्रो कर दो हमारे चैनल को और अपने हमारी फैमिली बनो और हमें सपोर्ट करो गाइस। चलो मेरा मन कर रहा है क्यों ना मैं आपको बता दूं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग निकले हैं अपनी सफर गोवा के लिए। तो बच्चों गोवा जाएंगे, गाना गोवा वाले बीच पे रानी नहीं नहीं मुँह से बोलने से थोड़ी ना आता है, मुझे बोलने से लेता है कि कॉपीराइट नहीं लेता। गोवा वाले बीच पे रानी आंखें मीच के। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं गोवा वाले बीच पे, बहुत ही मजा आएगा, सर्फ बोर्डिंग करेंगे, बोट चलाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। बीच सनबाग भी लेंगे, नहाएंगे समुद्र में। तो गाइस चलिए हम लोग अभी अपनी कार से गोवा जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक के जरूर देखना। और फिल्म देखी होगी मुंबई टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा। हाँ तो हम लोग दुर्ग टू गोवा जा रहे हैं, दुर्ग टू गोवा। तो गाइस बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है, हम लोग ट्रेन से नहीं इस बार हम लोग कार से जा रहे हैं अपनी गोवा। ट्रेन में गोवा जाते हैं ना, ट्रेन अभी बनी है, अभी बनी है, पहले नहीं, पहले वो भी तो था एरोप्लेन, एरोप्लेन से तो जाते ही थे, अभी अभी ट्रेन बना है, नया ब्रिज बना था जो। और हम लोग जा रहे हैं अपनी कार से गोवा, बाय रोड भी आप जा सकते हैं गोवा। तो हम लोग आपको पूरा डिटेल देते रहेंगे रोड का कि गोवा कैसे जाना है आपको और कहाँ से रास्ता क्या है। तो गाइस गोवा में बहुत ही मजा आने वाला है हमको, हमने बहुत सारे कपड़े भी रख लिए, नहाएंगे और वहाँ पे कुछ होटल में रह लेंगे कुछ दिन, हम लोग वहाँ रुक के मस्ती करते हुए गोवा वाले बीच में होटल में, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे दुर्ग वापस अपने घर। तो गाइस हमारे सफर को करना एंजॉय हमारे साथ और वीडियो को करना लाइक और सब्सक्राइब कर दो ठोक दो सब्सक्राइब। हमारे बच्चे लोग तो अभी मस्ती करे पड़े हैं, सब्सक्राइब कोई लाइक एम नहीं है, भर दो पूरा सब्सक्राइब करो यार, कब से हम लोग वीडियो बना रहे। तो कैसा लग रहा है बच्चे तुम लोग को, आलस आ रहा है? तू तो वैसे भी नहीं आने वाली थी, आलस तो आएगा ही इसको। बाहर उतरना है पापा, कार रोको फेंक दो, बाजू खिड़की हवा भी बहुत बढ़िया आ रही है। तो चलो रन्नू को यहीं पे फेंक देते, फेंक दे रन्नू, देखो नहीं रन्नू पता नहीं आलसी हो गई है आजकल, मोटी भी हो रही है एकदम, गजब बेइज्जती है, खाना ज्यादा खाती है, हमारे घर का राशन खत्म करती है। कल गाइस बाबा का बर्थडे था और जब बेबी हमारी ग्रीटिंग कार्ड बना रही थी उनके लिए, तब बेबी ने सारा फेविकोल अपने सर पे डाल लिया और उसका बाल अभी देखो खराब हो गया पूरा, मम्मी बोल रही है कल कटवाना है उसको। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुंडा देही, और अभी हम लोग गुंडा देही पहुंच गए थे और गुंडा देही से हम लोग अभी धमतरी वाले रोड में निकल चुके हैं और पापा गए हैं कुछ बच्चों के लिए खाने पीने के लिए। ऐसी पहले ब्लॉग में कोई भी ब्लॉग में देखे होंगे कि हम लोग एक बार और चिप्स लिए थे। हाँ तो लेते ही है तुम्हारे लिए, इतना सारा बनाई थी एक रोटी खाने की क्या जरूरत थी, मैं तो चार पराठा खाया था पूरा, बाहर खाने मिलेगा इसलिए नहीं लाई है। हट, ये क्या है एरोप्लेन। तो गाइस पापा गए हैं रनू बेबी के लिए और मेरे लिए कुछ चिप्स विप्स लेने, आ गया हमारा चिप्स ले आया, देखिए बच्चों का एंजॉयमेंट चिप्स वगैरह। अरे हड़बड़ी मत करो, सब चुरा लिए भाई, हम भी तो बच्चे हैं।
हाँ, बड़ी बच्ची है, मम्मी बड़ी बच्ची, मम्मी को भी खा रहे हैं। हमारे दिल के अंदर रहते हैं ये चिप्स। दे जल्दी, बहुत बड़े वाले ये लो, ये खा लो। ये बालाजी क्या कौन सा दे रही है भाइयों? चलो ठीक है, यही वाला खाता हूँ। नमक नमक मारा मिला है, अच्छा है गाइस। चलो फिनिश करते इसको। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचने वाले धमतरी, और ये देखिए इतना बड़ा टनल, छोटा सा है, इसके अंदर से अभी हम लोग जा रहे हैं। अरे ये किसकी आवाज है बेबी? ये क्या बोल रही हो तुम? लिख रही है अपुन का जुगाड़। जुगाड़ किस चीज का बेबी? पढ़ाई कर रही है बेबी, पढ़ाई कर रही है। देखो और तू क्या कर रही है? जिसके लिए तू रुकने वाली थी वो तू नहीं करेगी यहाँ? क्यों नहीं करेगी? जस्ट ये आलसी है लिटरली, इसे कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से गाइस, बस इसे सोना था, सोना था ना, मुझे पता है इसको सोना था। ये सोते रहती है अगर इसको छोड़ के चले जाते तो। कल बाबा का बर्थडे था तो ये नीचे थी, हम सब नीचे थे, तब ये नीचे ही रुक गई थी और नीचे ही सो गई थी, और फिर इसके बाद सो रही थी। इतनी घटिया शकल, चोमू जैसे ऐसे दिखाती है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। सुंदर शकल दी है भगवान ने। तू एक काम कर यार, तू सो जा। चलो अच्छी बात, तू सो जा। बकवास बोलते हैं, नजर ना लगे शकल। ले यार मेरी तरफ से काला टिक्का लगा ले। तेनु काला टिक्का पाया कर कली बार जाया कर, तो घूम जाती है अकेले जाने पे घूम जाती है। सो जा रानू, सो जा, सो जा अलसी, सो जा। बेबी तो पढ़ाई करेगी हमारी, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। पढ़ बेबी, डॉक्टर बनने ना बेबी। क्या बनेगी देखो? डॉक्टर, डॉक्टर बनेगी बेबी को पढ़ाई करने दो, डॉक्टर बनेगी। यहाँ पे बोर्ड है और अभी हम लोग को मुड़ना है यहाँ से राइट, और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे गोवा, गोवा वाला बीच। कपड़े वपड़े रखे हो ना, मैं तो सीधा जाके कूद जाऊंगा अपना पानी में, बेबी को सुखा देंगे फिर कपड़े के साथ ही। तो गाइस मैं तो मस्त गोवा वाले बीच में नहाऊंगा, मजा ही आ जाएगा। पहुंच गए हम लोग गंगरेल डैम। तो गाइस देखिए कितनी भीड़ है, आज संडे तो इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। बेबी हमको रास्ते का व्यू भी बहुत सुंदर दिखा, गाइस आपने भी देखा ना और एंजॉय किया ना व्यू, कैसा लगा आपको? तो आप पहले सामने देखो इतनी भीड़, अंदर कैसे जाएंगे? यहाँ शायद पार्किंग होगा यार, अंदर ही है अंदर, सामने गेट भी बंद कर दिए। टिकट विकेट लगता है, ये है गंगरेल डैम कि वो है, ये तो शायद होटल वोटल लग रहा है यार, रिसोर्ट है ये गंगरेल डैम का रिसोर्ट। आप भी आए तो रुक सकते हैं यहाँ पे घूमने के नाम से। सामने ये खोलेगा यार, ये खोल नहीं रहे, जाना किधर से वैसे? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। पार्किंग ये सामने था मगर भरा हुआ है। अच्छा भर गया पूरा, तो फिर आप कैसे करेंगे? पापा बाहर चल रहा है, कहीं पे गाड़ी खड़ा करना पड़ेगा। पहले गाड़ी खड़ा करते गाइस, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। गाइस हमारी कार पार्क हो चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं गंगरेल डैम की तरफ। इतनी जाम लगी है ये देखो गाइस, पीछे कितनी जाम है, और कार भी बहुत ज्यादा खड़ी है। हमारी कार पार्क हो गई, कार पार्किंग का यहाँ 30 रुपए चार्ज दिया गया है हमसे, ठीक है 30 रुपए भी। और चलो अब चलते हैं हम लोग, जा रहा हूँ तुम लोग मत जाओ, पापा जा रहे हैं। अच्छा उधर से है डैम है कि नाला है? नाला है, देखो इसको जब ये दिख रहा है पैदल वाला रोड है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी कार भी खड़ी है। इधर भी पार्किंग लगा दी है, बस पार्किंग का पैसा लेना है, कार तुम यहाँ चाहे वहाँ खड़ा कर सकते हो ऐसे। रोड में पहले ही अंदर आने से पहले हमसे पार्किंग ले लिए, और फिर उसके बाद बोले जहाँ ढूंढो रास्ता, जहाँ मिलेगा आपको कार पार्किंग करने के लिए जगह मिलेगी वहाँ पे आपकी कार पार्क कर सकते हो, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कार का ध्यान हमें कौन सा रखना है। आ चुके हैं हम लोग गंगरेल डैम,
मतलब मिनी गोवा, हमारा मिनी गोवा जो हमारा प्लान था मिनी गोवा। तो गाइज ये हमारा सस्ता गोवा है और यहाँ पे हम लोग पैसा बचाते हुए आए हैं। इसमें हमें कोई ट्रेन का खर्च नहीं लगा, मिनी गोवा पहुँच गया अपन। कम बजट में गोवा का फील आएगा अब हमको, आपको भी दिखाता हूँ। सामने अभी मैं नज़ारा नहीं दिखाने वाला, पहले आप चलो, मंदिर भी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गोवा। बेबी कहाँ जा रही हो अकेले अकेले? तुमको जाना है क्या वहाँ पानी के अंदर ठंडी में बर्फ गोला? अरे वाह यार, ये मेन गेट बंद है, हमको यहाँ साइड से जाना पड़ेगा। गाइस चलेंगे क्या बेबी? अरे बाप रे, वाह यार। गाइस देख रहे हो सामने मिनी गोवा आ गया ना, गोवा का फील। जैसे कि हमने बोला था ये सस्ते में गोवा का फील लाने वाला एरिया है। और हम लोग अभी पहुंच चुके हैं, सर्फिंग नहीं बोटिंग हो रही है, सर्फिंग यहाँ करेगी। लहर ही नहीं है यहाँ पे, बहाव है पानी का बल्कि। अरे वाह यार, यहाँ पे रिसोर्ट भी है, आप रिसोर्ट बुक करके भी आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ टाइम रुक भी सकते हो और नहा सकते हो। हम लोग बेबी मम्मी लोग रुक जा, आ रहे हैं उन लोग, तेरे वजह से मैं भी दौड़ते दौड़ते आ गया। अरे यार यहाँ पे बहुत रूम है, फिसल रहे हैं। आ गए। अरे यार बोटिंग हो रही है यहाँ पे, देखो जेट स्की। ये मेरे पीछे पीछे आ रहा है गाइस, कहाँ जा रही है? रुक जाना, मम्मी पापा का वेट करने दे। अरे रे रे, अभी नहीं दिखाएंगे पास से व्यू, अभी रुक जा, मैं अपने तरफ कर लेता हूँ। पहुँच गए हम लोग मिनी गोवा, और चलिए अब आपको यहाँ का व्यू अभी नहीं दिखाते, पहले हम लोग सेंटर में चलते हैं, अच्छे से क्लियर व्यू जहाँ से आएगा वहाँ से दिखाएंगे फर्स्ट व्यू। अरे हाँ, जैसे मैंने बोला आपको यहाँ पे रिसोर्ट भी बुक करने मिलेगा, तो आप यहाँ पे रह भी सकते हो और यहाँ पे मिनी गोवा का मजा भी उठा सकते हो, नहा भी सकते हो। ये देखो गाइस कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट में बता देना आपको व्यू कैसा लग रहा है। और रनिंग अभी तो थक गई है, मैं जान से क्या स्पीड में कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रेत था मेरे को पता है, और यहाँ पे पानी में भी उतरने का मौका मिलेगा तो उतर जाए, ना आ जाएंगे पानी से। मम्मी पापा आए नहीं होते आगे, गाइस मम्मी पापा भी आ चुके हैं, पानी में जाने देते हैं कि नहीं? अरे यहाँ सिर्फ बोटिंग कर सकते, पानी में नहीं जाने। डुबा देते अंदर। कैसा लग रहा है बेबी मिनी गोवा?